नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप सब लोग? दोस्तों आज हम लोग जो हैं उत्पादा डायनेस्टी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ये, जिसने कश्मीर में रूल किया है। उत्पादा डायनेस्टी एक हिंदू डायनेस्टी हुई है जिसने कश्मीर रीजन पर कंट्रोल किया है, और इस डायनेस्टी को बनाने वाले किंग का नाम दोस्तों था अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ने इस डायनेस्टी की स्थापना जो है वो 855 AD में की, और 855 से लेकर के 883 तक जो है अवंती वर्मन का रूल इस कश्मीर में रहता है। अवंती वर्मन ने अपने इस रूलिंग पीरियड में दो सिटीज़ की स्थापना भी की, एक थी सोयापुर जिसको आज हम सोपुर के नाम से जानते हैं, और एक थी दोस्तों अवंतीपुरा। अवंतीपुर और सोयापुर के अलावा इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी कश्मीर में बनाए, स्पेशली गॉड शिव और गॉड विष्णु डेडिकेट करके इन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं वो कश्मीर में बनवाए दोस्तों, जिसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, अवंतीस्वरा और अवंतीस्वामी टेम्पल्स। अवंती वर्मन के बाद उत्पाला डायनेस्टी को रूल करते हैं शंकर वर्मन, जो अवंती वर्मन के बेटे थे। इन्होंने भी कश्मीर पे बहुत अच्छा खासा रूल किया है, और एंड में इनकी जो जंग है वो पंजाब के और गुजरात के रूलर के साथ भी हमें देखने को मिलती है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे उत्पाला डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में और क्या क्या उनके कंट्रीब्यूशन थी कश्मीर को लेकर के। सबसे पहले हम अवंती वर्मन को ही देखेंगे जिन्होंने ये डायनेस्टी बनाई थी दोस्तों। अवंती वर्मन जो हैं वो उत्पाला डायनेस्टी के बहुत इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं। इन्होंने पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत काम किया, इवन कि इरीगेशन के लिए इन्होंने रिवर झेलम का जो है रास्ता बदला, और इस झेलम रिवर का जो इन्होंने रास्ता बदला दोस्तों, स्पेशली इनका मोटिव था कि कश्मीर को फ्लड से बचाया जाए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कश्मीर वैली जो है उसमें झेलम रिवर का वाटर जो है वो काफ़ी बार जो है वो फ्लड्स लाता है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि अवंती वर्मन के रूलिंग पीरियड के दौरान हिंदूज को काफ़ी फ्रीडम दी गई और फ्रीली वो घूमते थे पूरे एरिया में, और साथ ही साथ इनके रूलिंग पीरियड में काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज भी बनाई गई। अवंती वर्मन के बाद शंकर वर्मन का रूलिंग पीरियड आता है, लेकिन शंकर वर्मन के रूलिंग पीरियड जो है इनकी डेथ के बाद जो है एक सिविल वार सी कश्मीर में शुरू हो जाती है, और जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उत्पाला डायनेस्टी काफ़ी वीक हो जाती है, और फाइनली इस डायनेस्टी का भी कश्मीर से खात्मा हो जाता है दोस्तों।